गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे एक प्रॉब्लम। हम डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर पढ़ रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, कि टेंशन मेंबर के डिजाइनिंग प्रोसेस हम किस तरीके से देखते हैं। टेंशन मेंबर की हमने बात की थी, तो एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली थी जिसमें हमने बोल्टेड कनेक्शन देखा था। ठीक है, अब हम स्टेगर्ड बोल्टिंग के केस में देखेंगे कि किस तरीके से हम टेंशन मेंबर के अंदर क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया। एरिया ऑफ प्लेट, किसी भी प्लेट पर नेट क्रिटिकल सेक्शनल एरिया निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। वो दोनों किस तरीके से होते हैं? चेन बोल्टिंग में अलग होता है और स्टेगर्ड बोल्टिंग में अलग फॉर्मूला यूज होता है। तो मैं दोनों फॉर्मूले पहले आपको बता देता हूं। अगर हमें चेन बोल्टिंग दे रखी है तो चेन बोल्टिंग के अंदर क्रिटिकल सेक्शन एरिया ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। यहां पर जो बी है वो विड्थ ऑफ द प्लेट है, एन नंबर ऑफ बोल्ट्स इन क्रिटिकल सेक्शन एन है, डी नॉट डायमीटर ऑफ बोल्ट होल है, थिकनेस ऑफ प्लेट है। ठीक है, ये तो होता है हमारा चेन बोल्टिंग के अंदर। अगर हम स्टेगर्ड बोल्टिंग की बात करें, स्टेगर्ड कंडीशन की बात करें, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू बी माइनस एन डी नॉट प्लस बी माइनस एन डी नॉट प्लस सिग्मा पी एस आई का स्क्वायर अपॉन 4 जी आई और इनटू में टी, जहां पर पी एस आई हमारी होती है पिच डिस्टेंस और जो हमारी जी आई है उसको हम बोलते हैं गेज डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम नेट क्रिटिकल सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करते हैं प्लेट का टेंशन मेंबर के अंदर। और उसके दो तरीके हैं, एक जब चैन बोल्टिंग हो तब अलग फॉर्मूला है, और जब स्टेगर्ड बोल्टिंग हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम एक इस पे प्रॉब्लम की, अगर हमें इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए उसकी भी बात करते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चलिए मैं एक प्लेट ले लेता हूँ कोई भी, जिसकी विड्थ 160 mm है। यहाँ पर मैंने ये एक प्लेट ले ली, इसकी विड्थ है 160 mm, ठीक है, और इस तरीके से बोल्ट लग रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखिए, और इस प्लेट की जो साइज है वो है 160 बाई 8 mm। तो यहां लिख देते हैं साइज ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 160 बाई 8 mm। मतलब इसकी बी विड्थ तो कितनी है, 160 है, और थिकनेस कितनी है, 8 mm। अब हमें नेट क्रिटिकल सेक्शनल एरिया निकालना है इसका। तो हम दोनों तरीके से निकालेंगे, चेन बोल्टिंग के थ्रू भी और स्टेगर्ड बोल्टिंग के थ्रू भी। जितने सेक्शनल बनेंगे उन सेक्शनों को बना के हम इसके एरिया की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, मैं इसके अंदर सेक्शन बना देता हूं। अच्छा, और ये बोल्ट का डाया भी दे रखा है आपको, डी दे रखा है आपको 16 mm। तो
जो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल है वो कितना हो जाएगा, 18 mm। अगर डी 16 mm है तो डी नॉट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 mm। चलिए अब मैं यहां पर सेक्शन बना देता हूँ, क्रिटिकल सेक्शन। एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ये तीन है। नाम दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 और इसको 12। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन जो हमने कट किया है, कौन सा, 1, 2, 3, 4 और 5। सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 के लिए क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया निकालेंगे, ठीक है। सेक्शनल एरिया चेन बोल्टिंग के लिए फॉर्मूला जो हमारा है वही फॉर्मूला पुट करेंगे ए एन का, और वो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, वो फॉर्मूला होता है ए एन इजक्वल टू बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी। तो यहाँ से वैल्यू रख दें, बी की जगह कितना रखेंगे 160 माइनस एन की जगह कितना रखेंगे। अब देखिए एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ बोल्ट, नंबर ऑफ बोल्ट्स एट क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन पर कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स जुड़े हुए हैं। तो इस सेक्शन पर कितने बोल्ट हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ एन की जगह कितना आ जाएगा 3 इंटू डी नॉट कितना है 18 और इंटू में थिकनेस कितनी है 8। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा जो ए एन आएगा वो मुझे मिलेगा ए एन इजक्वल टू 848 mm² ए एन इजक्वल टू 848 mm². अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन के लिए, दूसरा सेक्शन कौन सा है, 6, 7, 8 और 9। तो यहां बात करते हैं सेक्शन 6, 7, 8 और ये 9। सेक्शन 6, 7, 8, 9 की बात करते हैं तो देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, ए एन इजक्वल टू बी की जगह रखेंगे 160 माइनस एन। अब एन कितना रखेंगे देखिए, एन जब सेक्शन बदल गया तो नंबर ऑफ बोल्ट्स भी चेंज हो गए, पहले जो सेक्शन लिया था वहां पर नंबर ऑफ बोल्ट्स थे 4, अब की बार नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने, सॉरी 3 थे, अब की बार नंबर ऑफ बोल्ट्स इस सेक्शन के लिए कितने हैं, 2 ही हैं, 1 और 2। तो यहाँ पर 2 × 18 × 8 तो यहाँ पर आ जाएगा जो ए एन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, वो मिलेगा हमें 992 mm² 992 mm². अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब की बार सेक्शन कौन सा लेंगे, सेक्शन है 10, 11, 12। फॉर्मूला वही है, ए एन इजक्वल टू पी 160 माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी हो गई, केवल एक ही बोल्ट है 1 × 18 × 8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास ए एन की वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी आपके 1136 mm². तो इस तरीके से तीनों सेक्शंस पर, तीन सेक्शन जो हमने क्रॉस किए और वो कौन कौन से क्रॉस किए, पहला जिसमें क्रॉस किया हमने 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा सेक्शन काटा हमने 6, 7, 8, 9 और तीसरा काटा कौन सा 10, 11 और 12। फॉर्मूला तीनों के लिए वही है क्योंकि हम चेन बोल्टिंग के थ्रू चल रहे हैं, स्टैगर्ड में नहीं, अभी चेन बोल्टिंग की बात कर रहे हैं। तो चेन बोल्टिंग में जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट एरिया, नेट क्रिटिकल सेक्शनल एरिया का, वो होता है ए एन इजक्वल टू बी माइनस एन डी नोट इंटू टी। एन क्या है, यहाँ पर आपको बी डी नोट और टी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, केवल क्या चेंज होगा, हर सेक्शन पर नंबर ऑफ बोल्टिंग क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये थी हमारी चेन बोल्टिंग की बात,
अब हम बात करते हैं स्टेगर्ड बोल्टिंग की कंडीशन में किस तरीके से होगा। तो इसको रफ कर देते हैं, देखिए इसको मैं वापस से ड्रॉ करूंगा आपकी बार स्टेगर्ड के लिए, क्योंकि हमें स्टेगर्ड में साइज चाहिएगी पिच और गेज की, और उसके बाद हमें देखना है। चलिए वापस से डायग्राम को बना लेता हूं मैं। ये तीन बोल्ट तो यहां लगे हुए हैं, दो यहां पर लगे हुए हैं और एक यहां पर लगा हुआ है। नाम दे देते हैं, एक दो तीन, इसको दे देते हैं चार पांच और इसको छह। पहला सेक्शन ले लेता हूं मैं कि जो प्लेट फेल होगी वो यहां से इस तरीके से जाके ऐसे जाके ऐसे जाके और ऐसे फेल हो सकती है, इस तरीके से टीयरिंग में फेल हो सकती है। तो सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन 1 4 5 3, क्या ले लिया, 1 4 1 4 5 3, ये सेक्शन ले लिया हमने। ठीक है, 1 4 5 3 सेक्शन ले लिया। तो अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला है हमारा AN इक्वल टू बी माइनस एन डी नॉट प्लस सिग्मा पी एस आई का स्क्वायर अपॉन 4 GI इंटू में टी, ये फॉर्मूला। अब उसके लिए जी और पी कैसे निकलेंगे, तो आपको क्वेश्चन में डायमीटर्स गिवन होंगे सबके, जैसे पिच जो इस बोल्ट से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 40, ऐसे ही यहां से यहां तक की भी जो डिस्टेंस है वो भी कितनी दे रखी है 40। इससे ऊपर की जो डिस्टेंस है और नीचे की डिस्टेंस है ये दे रखी है 30 और 30, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हैं ये जो डिस्टेंस हैं ये दे रखी है 25 25 25 और 25। तो आप पिच और गेज तो जानते ही हैं, पिच डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ टू रिवेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पिच डिस्टेंस। और गेज डिस्टेंस क्या होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है गेज डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर देखो जो पी एस आई है पिच है, पिच उसकी वैल्यू तो कितनी है 40 है, और गेज गेज डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 25 है। ठीक है, चलिए अगर फोर्स इधर लग रहा है, एक पी फोर्स इधर लग रहा है और एक पी फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो यहां से वैल्यू रख देते हैं 160 बी था माइनस एन, एन कितना है 1 2 3 और 4 इंटू डी नॉट 18 था प्लस PSI, PSI, PSI क्या है, पिच डिस्टेंस कितने सेक्शन है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 40 का स्क्वायर अपॉन 4 × 25 मल्टीप्लाई बाय 2 और इस होल का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, ये जो होल ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे थिकनेस से, थिकनेस कितनी थी 8। तो यहाँ से हमारे पास AN की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहां से हमारे पास ए एन मिलेगा हमें 960 mm² 960 mm². इसी तरीके से अब मैं इसको यहां से हटा के काम मान लेता हूं, इसको और आगे बढ़ा लेता हूं कि ये यहां पे जाके इस तरीके से सेक्शन हो जाएगा कुछ। इस सेक्शन के लिए आप निकाल सकते हैं, अब की बार जो हम सेक्शन मानेंगे वो मानेंगे कितना, 1 4 6 5 3, ये सेक्शन ले लेंगे। इस सेक्शन में यहां पर एन की जगह नंबर ऑफ बोल्ट हम कितने रख देंगे, 1 2 3 4 5, यहां पर रिप्लेस कर देंगे 5 और यहां इस 2 की जगह रिप्लेस कर देंगे सिग्मा कितने, 1 2 3 और 4, यहां पर रिप्लेस कर देंगे 4, और वही सेम टू सेम प्रोसेस है इफेक्टिव
लेंथ निकालने का। अब आपको क्या करना है कि किसी भी प्लेट के लिए नेट क्रिटिकल सेक्शन तो हमने निकाल लिया सबके लिए अलग अलग, लेकिन जो ओवरऑल जो सबसे पहले जिस सेक्शन पर फेलियर होगा उसकी क्या वैल्यू हो रहेगी, वो वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए वो वैल्यू क्या होगी, इन सब में जो मिनिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को बोलते हैं हम क्रिटिकल सेक्शन, नेट क्रिटिकल सेक्शन एरिया। तो सबसे कम वैल्यू हमारी चेन बोल्टिंग में इस सेक्शन पे मिली थी 1, 2, 3 पे, वही हमारी क्या होगी, वही हमारी नेट सेक्शनल एरिया, नेट क्रिटिकल सेक्शनल एरिया होगा इसके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिटिकल नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों के सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।